हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्पेडियम राइडर। मैं हूं जावेद अख्तर। तो गाइज, मैंने ग्रेनारो वायरलेस माइक का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने कुछ वॉइस सैंपल्स भी दिखाए थे। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि डिफरेंट सिनारियों में इसका वॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करके बताइए। तो आज हम आपको एकदम हार्श कंडीशन जो होती है, जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉइज होता है, उस कंडीशन में इस माइक को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर दिया है और इस वक्त नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइज़ मिल रहा होगा। तो अगर मार्केट में आप व्लॉगिंग करते हैं या फूड व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको कुछ ऐसी आवाज़ मिलेगी। मैंने सोचा कि आपको सभी डिफरेंट सिचुएशन में व्लॉगिंग करके बताएँ। तो अभी इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है, तो चलिए एक बार दोबारा नॉइज़ रिडक्शन हम ऑन कर देते हैं। तो अब मैंने फिर से इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर दिया है और जो इसका नॉइज़ रिडक्शन है ये टॉप लेवल का है। और भीड़ भाड़ में आपको कुछ इस तरीके से इसकी नॉइज़ क्वालिटी मिलेगी आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम किसी डिफरेंट लोकेशन पर मूव करते हैं। एक बार और हम आपको नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करके दिखा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर दिया है। अब हम नॉइज़ रिडक्शन एक बार दोबारा थर्ड लेवल पर लेके जाते हैं। अब फिर से नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर दिया है, टॉप लेवल का नॉइज़ रिडक्शन है। तो चलिए चलते हैं अब हम दूसरे सिनेरियो में और इसका नॉइज़ क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर दिया है और नॉइज़ रिडक्शन ऑफ होने के बाद वॉइस क्वालिटी कुछ ऐसी हो जाती है। ये हमारी इधर साइड में देखें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं इधर। तो आप देख रहे होंगे कि आप कितना ज़्यादा नॉइज़ है अभी। तो चलिए अब हम इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन करते हैं। तो अभी मैंने इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर दिया है और नॉइज़ रिडक्शन ऑन होने के बाद आपको वॉइस क्वालिटी कुछ ऐसी मिलेगी। तो अभी मैंने इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां आ रही हैं। आप हमारे दाएं बाएं देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, लेकिन इसका नॉइज़ रिडक्शन काफ़ी टॉप नॉट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक बार हम और नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करते हैं। तो अब मैंने नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर दिया है और नॉइज़ रिडक्शन ऑफ होने के बाद में आपको महसूस हो रहा होगा कि वॉइस क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो एक बार हम और नॉइज़ रिडक्शन इसको टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। अब मैंने दोबारा नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर दिया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ सप्रेस हो जाती है और वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इनहांस हो जाती है। जो वॉइस की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो गाइस, अगर आप इस माइक से अगर इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम सिनारियो लेते हैं, ये हमारे फ्रेंड है मुकीम, तो एक माइक मैं इनको दे दूंगा और ये ट्रांसमीटर एक मेरे पास रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से ऑडियो मिलता है। तो अभी फ़िलहाल ये थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन, इसका टॉप लेवल का जो नॉइज़ रिडक्शन है वो ऑन है। मुकीम, तो ये तुम लगा लो और ये मैं लगा लेता हूँ। तो मुकीम भाई, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए मुकीम भाई, आप क्या करते हैं? मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी सेल आउट कंस्ट्रक्शन का भी और अदर मकान वगैरह रीसेल करना है तो उसको भी रीसेल आउट भी करता हूँ, रीसेल वालों का सेल आउट करता हूँ। अच्छा, तो अभी जो है आपकी कितनी साइट जो है जहाँ आप देख रहे हैं अभी लखनऊ में, कहाँ कहाँ पर आपकी साइट है? मेरे चार साइटें हैं प्रेजेंट टाइम में अभी, जो कोसी रोड पे है, सीतापुर रोड, आईएम रोड और दुबग्गा साइड पे भी है। ओके जी, तो अब इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो हम ऑफ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वॉइस क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। एक बार ऑफ करो, एक बटन एक बार दबाओ। हाँ बस,
ठीक है। तो अब जो है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर रखा है, और अब हो सकता है कि जो सराउंडिंग की आवाज़ मिल रही हो। तो मुकेश भाई, क्या आप बनवाते भी हैं या सिर्फ प्लॉटिंग का ही काम? कंस्ट्रक्शन का भी आता है तो कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बट प्लॉटिंग का ज़्यादा हम लोगों का ज़्यादा सेलआउट का काम है। अच्छा, मतलब आपका ज़्यादा फोकस अभी प्लॉटिंग पर ज़्यादा है। अभी कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं लेकिन अभी उतना ज़्यादा वो काम नहीं है। जी ठीक है। तो गाइज़, ये जो हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑफ कर रखा है, इस अगर ऑफ़ कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से आवाज़ मिलेगी। तो गाइज़, आज हम इसका ट्रेन टेस्ट करेंगे। तो हमारे दाहिने हाथ पर ट्रेन आ रही है और इसका टॉप लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। आपको कुछ इस तरीके से आवाज़ मिलेगी जब टॉप लेवल का होगा। हम इसका एक नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देंगे। अब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ होगा तो ऐसी आवाज़ होगी। अब दोबारा नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं। एक बार तो अब हम इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देते हैं। तो इसका अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। इधर उधर घुमाते रहो, रोटेट करो। एक बार दोबारा नॉइज़ कैंसिलेशन टॉप लेवल पे ले जाते हैं। तो फिर से नॉइज़ कैंसिलेशन इसका टॉप लेवल यानी थर्ड लेवल पे है। तो गाइस, आप बताइए कि आपको इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा लगा? नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ। तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं। तो इसका टॉप लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन। तो गाइज़, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों में इस वायरलेस माइक का टेस्ट किया, और आपको इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी लगी? आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इस वायरलेस माइक का डिफरेंट सिनारियों में इसका ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कीजिए। तो इसीलिए मैंने एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है उस पर इसको टेस्ट करने की कोशिश करी, और आपको बताया कि इस वायरलेस माइक का वॉइस सप्रेशन जो नॉइज़ रिडक्शन है किस लेवल का है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं गाइज। अगर अभी तक आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।